ये देखो यार, ये पूरा जो बर्फ दिखाई दे रहा है ना इस पहाड़ पे, ये पूरा बह बह के देखो पानी पानी कर दिया। अब मेरे जूते गीले हो रहे हैं इससे, और इधर चलूँ तो इधर ये बर्फ है, चलूँ तो चलूँ कहाँ, जूते गीले ही कराने पड़ेंगे। मतलब उतने भी गीले नहीं हो रहे, पर एक लेयर नीचे से पानी में जा रही है। ये थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए पानी में ही चल लेते हैं। लोग यहीं से वापस जा रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। काला चश्मा हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रहेगा, काला चश्मा रख सकते हो आप। ओह, सॉक्स में पानी गया, महसूस हो रहा है, हाइपोथर्मिया ना हो जाए मुझे। ये देखो ये, ओ तेरी नाला है लिटरली आगे, तो ये कैसे होगा पार, गाड़ी चाहिए। मुझे बताओ किस किस को लगता है कि अगर, अबे रुक जा भाई, रुक जा, अगर मैं अपनी बोतल को इस ग्लेशियर के अंदर रात भर ऐसे अंदर करके दबा दूं, अबे जा रही है, अबे यार ढक्कन की तरफ से आई, ऐसे करके अंदर तक पूरा दबा दूं किसी भी तरह होल करके, ये नहीं जा रही है या भुरभुरी होनी चाहिए शायद। ए जा जा जा, ये नहीं जाएगी यार, पैनी चीज चाहिए। ये चला गया देखो, ये नुकीला है ना, ये चला गया। तो ये बर्फ जम, ये बर्फ बन जाएगा रात भर में, ऐसा किसको लगता है, और किसको लगता है कि नहीं बनेगा बर्फ। मेरे ख्याल से तो बर्फ बन सकता है। ये पेंसिल तोड़ दूँ फिर से, देखो ये ए, 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 गई हल्के से टूट जाती है। लिफ्ट दे दे भाई, लिफ्ट दे दे। गुजरात, गुजरात में नहीं रोकेगा, रोके ओके। हाय, आई एम गोइंग टू लेह। Where are you? Going to search you. Okay, can you drop me there? Chalega kya? If it is possible. Yeah, search you is about half an hour. Half an hour. Okay, okay. But basically, you'll have to sit in the middle. Okay, I can. Thank you. Be in comfort if it is possible. Okay, thank you. थैंक यू, बताता हूँ अभी। तो हमको अभी लिफ्ट दिया गुजरात की एक फैमिली ने, ये लोग सारचू से वापस हो जाएंगे, ज़्यादातर लोग बारालाचा से वापस हो जाते हैं, लेकिन ठीक है सारचू तक पहुँच जाएंगे तो भी। फिर उसके बाद मेरे पास जो एक और रहेगा, मेरे को फिर अगर मैं आज निकलता हूँ सारचू से आगे, तो मुझे उपशी तक पहुँचना पड़ेगा, या ऐसा कुछ जो जहाँ पे हैबिटेशन हो, मेरे को नहीं लगता आगे कुछ है। तो मेरा शायद 90% चांस है कि मैं सारचू में कैंप लगाऊँ, देखते हैं बाकी क्या होता है। जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, पहुंच गए सारचू। आप लोग यहां से वापस जाओगे कि रुकोगे यहां पे? हम वापस जाओगे। ओके, पिछली बार हमने यहीं पे कैंपिंग टेंट लगाया था, इस बार भी सोच रहा हूं यहीं पे लगाऊं। इस बार धूप है, पिछली बार ना यहां पे जब मैं आया था बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आप लोग बताइए, आप लोग गुजरात से आए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उसमें मुझे ये कहना चाहिए कि इफ़
आप कहीं पे भगवान ढूंढते हैं तो वो यही है। आप हिमालयस में पहली बार आए या लद्दाख में पहली बार आए? हम लद्दाख साइड पहली बार आए। लद्दाख में पहली बार, हिमालयस में आए हो पहले इन पहाड़ों में? हिमालयस में नहीं, ये अपने हनीमून पे आए थे बहुत साल पहले। तब आए थे? ओके, 21 साल पहले। और आप तो आए हो यहाँ पे काफी बार? हम लोग कुल्लू में रहते हैं। अच्छा, कुल्लू में रहते हो आप? हर साल आते हैं और हर साल रहते हैं। ओके, अभी वापस भी आपको कुल्लू ही जाना है? आज रात कुल्लू पहुँच जाएंगे होपफुली। ओके, चलिए मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय। चलो अब यहाँ से डिसाइड करना है मुझे। अभी शाम के बज गए हैं 3 बज गए। ये सारे जो ट्रक देख रहे हो ना, ये सब खड़े हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ से निकलते हैं ट्रक। अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा रही है, मेरे को खाने के लिए बुला रहे हैं सब लोग। अब मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं इस रोड पे आगे चलूं या कल सुबह सुबह चलूं। वैसे लॉजिक तो यही कहता है भाई, कुछ 80 रुपये का खाना था पिछली बार, खाना पीना खा के यहीं रुकना चाहिए मुझे और कल सुबह शुरू करना चाहिए। अगर कोई ट्रक जा रहा होगा लद्दाख की तरफ तो आगे भी निकल जाएंगे। वैसे यार शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ही, और उस लॉजिक से मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए ही, पर 50-50 है मेरा यार। आसानी से मिल गई लिफ्ट तो चला जाऊँगा, नहीं मिली तो मेरे को उसमें भी कोई गम नहीं है, मतलब मैं लगा लूँगा कैंपिंग टेंट। पता है मैं 14 अप्रैल को निकला था, आज शायद 15 मई हो गया है और मैंने एक भी बार कैंपिंग टेंट नहीं लगाया है। और जब आप सारचू में आओगे तो आपको इस तरह के ये टिन शेड वाले ये मिलेंगे, 200 रुपये में आपको बेड मिल जाते हैं यहाँ पे, कंबल वम्बल वो सब, और मैगी चाय वो सब मिल जाता है। इस तरह के ये बहुत सारे बने हुए हैं, ये देख रहे हो। नहीं लूँगा कोई बात नहीं, ये बेड वगैरह हैं इधर 200 200 ना। ओके, नहीं ले रहा मैं, नहीं लूँगा, शूट नहीं कर रहा। कुछ लोगों को कैमरे में नहीं आना होता। ये देखो इस तरह के ये बने हुए हैं 200 रुपीज़ में, और खाना पीना भी यहीं पे सब हो जाता है। बाइकर्स और ट्रकर्स लोग सब लोग यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे थाली कितने की मिलती है? क्या? खाना थाली? हाँ, कितने का मिलता है? 120 का। ओके, पिछली बार जब हम आए थे तो 80 का था, 80 रुपये में आपको खिला देंगे यहाँ पे खाना। हम देखते हैं आगे का रास्ता कुछ क्या बनता है। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? ले जा रहे हो? ओके, मुझे लिफ्ट दे सकते हो आप? ले पाएंगे। उपशी? उपशी किस दूर है से? उपशी कितना दूर है? पता नहीं पता नहीं, क्योंकि थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है जो सड़क ऐसी होती है ना। और भी जो गाड़ी में लोग हैं वो लोग आएंगे। ओके ओके, अगर आप चाहते हैं तो 10-20 किलोमीटर जब तक सड़क सही आता छोड़ सकता हूँ। नहीं, मेरे को लंबी, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर नहीं मिलेगी लिफ्ट तो मैं यही रुकूंगा, कैंप लगाऊंगा, और मिलेगी तो ले जाऊंगा सीधा। मैं लेके पकड़ूंगा लिफ्ट, ले या उपशी? हाँ पता है मुझे, 2-व्हीलर पे। थैंक यू, धन्यवाद। ये भाई ने बहुत ही ईमानदारी से बता दिया, मतलब कि डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और मैं ये समझता हूँ, मुझे पता है ये बात, हम किसी को तकलीफ दे के थोड़ी ना जाएंगे यार। बहुत दूर है लद्दाख, वो बंदा भी परेशान हो जाएगा, मैं भी। तो देखते हैं, कोई कार वाली लिफ्ट मिलेगी ना तो अच्छा, ट्रक में भी थक जाते हैं यार, 2-व्हीलर में भी थक जाते हैं, तो सबसे अच्छा है कि कार की या 4x4 की लिफ्ट मिले तो ले भी पहुँच जाएंगे। वैसे 2:30 बजा है अभी, 2:40 हो रहे हैं, मैंने अभी टाइम देखा था, 2:40 हो रहे हैं, तो ठीक है, तो आधा घंटा और ट्राई करते हैं, 3 बजे या 4 बजे तक ट्राई करते हैं। लेके मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो यहीं पे कैंप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो माउंटेन्स, चलो गाड़ियाँ तो आ रही हैं। मेरे को लगा कि सिर्फ सुबह ही सुबह निकलती हैं यहाँ से गाड़ियाँ, लेकिन ठीक है, यहाँ से निकलेंगी तो रात में भी पहुँच जाएंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेट नहीं आता ना यार यहाँ पे इस एरिया में, इसलिए मैं यहाँ पर रुकना थोड़ा पसंद नहीं कर रहा हूँ, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रुकने में। तो अम्मा ने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैंने अम्मा को पहचान लिया, मैं पिछले साल आया था यहाँ पे। अम्मा नहीं पहचान पाएंगे,
नहीं पहचान पाएंगे वो, मैं पिछले साल आया था। बैठो, मैं लद्दाख अभी ले जाने की सोच रहा हूँ। हाँ, तब से यहीं पे हो अम्मा? जाते हैं ये कई लोग, ये चले जाते हैं यहाँ से सारे लोग जब बंद हो जाता है गांव में। ओके, एक अंकल भी थे यहाँ पे पिछली बार। ओके, अब यहाँ पे खाना पीना कितने का है? 80 ना, पहले भी 80 का खिलाया था अम्मा ने। 80 भी खिलाया? बोले पहले 80 का खिलाया, अब 100 हो गया। मैं सोच रहा हूँ ले चला जाऊँ। मैं अकेला हूँ, मैं लद्दाख की वही पकड़ने की सोच रहा हूँ, गाड़ी मिल जाए कोई। कैंपिंग टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे रहूँगा तो। कैंपिंग टेंट है मेरे पास, पहले भी कैंपिंग टेंट लगाया था मैंने पीछे। तो अभी हो रहे हैं 3:11 और इसी ढाबे पे हमने पिछली बार भी खाया था। ये हट सा है और ये सोने के लिए भी रहता है, सोने के लिए यहाँ पे 200 रुपये का रहता है अगर आपको सोना है तो, पर हम कैंपिंग टेंट लगाएंगे। अभी बजे हैं 3:11, अभी भी कुछ कुछ एक आध गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आराम से सुबह ही जाएंगे फिर बाद में। और यहाँ पे 80 रुपये 100 रुपये ऐसे खाना मिल जाता है, आप यहाँ पे डिनर और लंच कर सकते हो सरचू में। और इस तरह के ये शेड बने रहते हैं, यहाँ पे आपको कंबल बिस्तर सब मिल जाएगा, 200 रुपये में आप यहाँ पे सो भी सकते हो। बढ़िया यहाँ पे सेटअप मिल जाएगा सरचू में आपको, इसके बाद उपशी में मिलेगा सीधा। तो मैंने सोचा कि रुक जाते हैं, यहाँ से लंबा रास्ता है, कल अच्छे से कवर करेंगे, शूट करेंगे। फिलहाल हम ये पराठे लेके चले थे जिसपा से, एक भाई के यहाँ से उन्होंने पैक करके दिए थे, और चटनी और अचार, तो यही खा लेते हैं फिलहाल। और शाम को लगाएंगे फिर यहाँ पे अपना कैंपिंग टेंट, और देखते हैं यहाँ पे रात कैसी रहती है। पिछली बार तो ठीक था और सुबह सुबह हमने शुरू करा था, तो देखते हैं क्या होता है।